हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? मैं मौज में हूँ और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दो तीन दिन बाद व्लॉग बनाया है। दो तीन दिन से बड़ा ही अपसेट चल रहा था, बहुत मूड ऐसे ऑफ सा हो रखा था, तो मन नहीं किया बनाने का। तो फिलहाल निकल चुके हैं वॉक पे और सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, लगभग 5:30 हो रहे हैं। ठीक, उठ तो जल्दी गया था, 5 बजे उठ गया था, लेकिन आधा घंटे इधर उधर थोड़ा। तो अब निकला हूँ वॉक पे, पार्क जा रहे हैं। और 4-5 दिन से रियल में ना पार्क जा रहा हूँ, ना कोई व्लॉग बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा चल रहा है। पेपर में बिजी था थोड़ा, अब एग्जाम। हाँ जी, तो ये देख लो मौसम। और अपने आ चुके हैं वापस घूम के। सुबह गया था 5:30 बजे और काफ़ी दिन से मतलब थोड़ा सा रूटीन ऐसे ही चल रहा था, मतलब ना घूमने जा रहा हूँ, ना कोई एक्सरसाइज, ना कुछ भी, थोड़ा सा अपसेट चल रहा था 2-4 दिन से। अब एकदम मूड सही हुआ है कल, आज थोड़ा घूमने आ गया और वापस हमने एक्सरसाइज वगैरह करके आए हूँ अभी। और अभी सुबह के बज रहे 6:15, ज़्यादा कोई काम है नहीं, सिर्फ एक क्लास का एग्ज़ाम है 9th क्लास के, बाकी सब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो ज़्यादा लोड है नहीं, इसलिए चलेंगे आराम से। और घर जाके थोड़ा योगा और करेंगे अभी, बस जैसे जैसे छुट्टी आती ना तो सब चीज़ करने का मन करता है। बाकी टाइम तो क्या बिजी रहते हैं स्कूल में, तो इस वजह से अभी फ्री हैं, तो मैंने चलो कर लिया जाए। 2-3 दिन से थोड़ा था रूटीन, अब वापस से सेट हो गया, अब रूटीन नहीं तोड़ेंगे बिल्कुल भी। अब रेगुलर व्लॉग भी आएंगे, रेगुलर पार्क भी आएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज भी करेंगे। और आज मुझे PPM भी जाना है, कोई छोटी जाँच करवानी है उसके लिए। तो ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस नॉर्मल कोई प्रॉब्लम थी, तो सोचो जांच करवा ली जाए ताकि मन का बहम निकल जाएगा। तो अभी स्कूल जाऊंगा पहले पेपर लेके, उसके बाद फिर मैं निकलूंगा PPM के लिए। मज़ा तो जब आपसे बात करता हूँ ना, जब ही आता है, जब तक आप लोगों से बात नहीं करता मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आता। और ये देखो हमारे मिस्त्री जी आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मिस्त्री जी? गुड मॉर्निंग। ये हमारे मिस्त्री जी हैं, बहुत बढ़िया मिस्त्री हैं, बिजली के, बिजली नहीं सॉरी पानी के मिस्त्री हैं, बहुत बढ़िया। तो बस जब तक आपसे बातें नहीं करता ना, सच्ची कह रहा हूँ, ना सुकून मिलता है, ना दिन निकलता है, ना मज़ा आता है। तो आप लोगों से बात कर ली ना आज, तो आज का दिन वाकई बहुत अच्छा निकलने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है रियल में। तो चलते हैं फिर। जय भोलेनाथ। तो फिलहाल आ गए हैं पर माता जी के मंदिर दर्शन करने सुबह सुबह, इसके बाद जाएंगे बाबा के मंदिर मम्मी के साथ। तो बस ये रूटीन अब, अभी बाइक लेके आए होंगे, कार का कोई सीन है नहीं अभी। और ये हमारे माता जी, दर्शन करवा देते हैं आपको भी। जय हो शेर वाली माता। जय बाबेरी। हाँ जी, तो आ गए फिलहाल स्कूल में और अब रेडी तो क्या ही होना है। अभी इतना मैं कुछ, अभी गर्मी है तो टी शर्ट ही डाल रहा हूँ, शर्ट वर्ट में चेंज नहीं करता गर्मी की वजह से, क्योंकि ज़्यादा क्लासेज भी नहीं लग रही, तो इसलिए मैं शर्ट वर्ट नहीं डाला, टी शर्ट रखता हूँ। और टी शर्ट के ऊपर एक डाल लेता हूँ श्रग, जब बाहर जाता हूँ, जैसे अभी मेरे को जाना है हॉस्पिटल, तो मैं श्रग डाल लूँगा। और स्कूल में रहता हूँ टी शर्ट, टी शर्ट अच्छी लग रही, कोई माड़ी नहीं लग रही है, देखो एकदम शानदार। तो टी शर्ट डाल लेता हूँ और नीचे पैंट डाल लेता हूँ, और जो स्लीपर डालता हूँ आजकल मैं, गर्मी आ गई ना तो मैं या तो सैंडल रखता हूँ या स्लीपर। स्लीपर भी कौन सी, जो चमड़े वाले पुराने टाइम में जो मास्टर जी पहनते थे गांव वाले, जो सरकारी स्कूल वाले मास्टर जी पहनते थे, तो वाली स्लीपर डाल के रखता हूँ मैं, तो मस्त लगती है वो। मेरे पास होगी कहीं कहीं ये दिखाता हूँ अभी आपको मैं, बट भी है बहुत मज़ा आता है। तो फिलहाल आ गया हूँ और फ़ोन भी बच गए, देखते हैं किसका फ़ोन है, बताते हैं आपको, फ़ोन आ रहा है दोस्त का। तो मैं बस अभी आ गया हूँ स्कूल, रेडी होके और रेडी क्या रेडी हूँ, फिलहाल जा रहा हूँ एक बार हॉस्पिटल, पेपर पापा करवाएंगे, मम्मी करवाएंगे, तो जाते हैं जी। तो आज काफ़ी दिन बाद इस बिल्डिंग में आया हूँ, देख लो एक बिल्डिंग है, दोनों दोनों, वो भी उधर है ये भी इधर पास पास में। पर काम में इतना बिजी था मैं, इतना मतलब प्रेशर था, इस बिल्डिंग में आने में मुझे आज 20 दिन लग गए, 20 दिन बाद आया हूँ मैं आज। और आज हमने इधर देखो बाड़ी भी लगा रखी, आज के हम तो पहले ही लगा रखी, नींबू का पेड़ है और अभी इसमें नींबू लग रहे हैं। पता नहीं क्या हो जाता है सर्दियों में, तो ये नींबू है ना खूब मोटे मोटे लगते हैं, और गर्मियों में पता नहीं क्या हो जाता है इनके, देखो कितने सारे लगे हुए। गर्मियों में इनमें रस ही नहीं रहता, अभी तो रस है, लेकिन जब ये जैसे जैसे थोड़े मोटे होंगे रस नहीं रहेगा। और सर्दियों में, सर्दियों में इनमें इतना रस निकलता है बेहद, और इतने नींबू लगते हैं, बहुत नींबू लगते हैं ये देख लो। और अभी इनमें पता नहीं क्या रस है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये है, और इस बार बढ़िया इसको सजाएंगे, एकदम प्ले स्कूल है ये अपना, इंग्लिश मीडियम अलग सेक्शन है ये, तो इसका ये गेट अलग से है यहाँ से, और इस सारे कमरों को बढ़िया सजाएंगे। कोई नया मिला डेकोरेशन वाला भाई, तो उसके थ्रू इसको बढ़िया सजाएंगे पूरा पूरा। तो एक ये रूम हो जाएगा, एक वो रूम, दो एक ये रूम, तीन चार, चार रूम है, ये दो स्टोर है, चौक हो गया। तो बढ़िया इसको सजा सजू के बढ़िया तैयार करेंगे। इंग्लिश मीडियम का सेटअप अपना शुरू से अलग है, लेकिन इस बार खर्चा और फुल करेंगे इसको, बढ़िया मस्त खर्चा करेंगे इस बार। तो ये अपनी एक बिल्डिंग और है स्कूल के साइड में, और ये मम्मी जी तुलसा जी लगे हुए, ये जनरेटर है, गर्मियों में काम आता है, अभी तो कोई काम नहीं इसका, लाइट कटौती हो ही नहीं रही। और ये तुलसा जी माता जी हैं। तो
फिलहाल आया हूँ अभी पीपीएम हॉस्पिटल, और पीपीएम हॉस्पिटल में का एक पार्ट है हल्दीराम मूलचंद हार्ट के लिए, और वहाँ आया हूँ मतलब, और अभी इनको भी मैं जान दे रखी है, मैं भाई का ऑफिस है, दोस्त है यहाँ पे, तो या उसका ऑफिस है, यहाँ पर अभी वेट कर रहा था मैं भाई ने का, जैसे नंबर आएगा मैं बता दूँगा। नंबर तो क्या डॉक्टर साहब नहीं आए, नंबर तो सबसे पहले आ जाएगा, अभी डॉक्टर साहब नहीं आए, तो फिलहाल वेट कर रहे हैं, जांच वैसे और भी कराई थी, एक्सरे वगैरह सब ले लिया, सब नॉर्मल एकदम, सब बाबे की मेहर से एकदम सब नॉर्मल है, सिर्फ एक इको की जाँच बची है वो करवानी है, और ईसीजी करवानी वो भी नॉर्मल है, थायराइड की वो भी नॉर्मल है, शुगर की वो भी नॉर्मल है, डायबिटीज़ जो होती है, और ये एक और होती है टीजी मतलब कोलेस्ट्रॉल की, वो भी नॉर्मल है, सब नॉर्मल है एकदम, सब बाबा रामदेव जी कृपा है, वैसे एक इको बची है वो और करवा ले तो वो नॉर्मल आएगी मुझे पता है, बस डॉक्टर साहब आ जाए चलते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ऑफिस में बैठी अलग से, आज मास्क लेना भूल गया गलती से, इसलिए मैं अलग से बैठा था कि भीड़ से दूर रहूँ। फाइनली ऊपर वाले की मेहरबानी से सारी रिपोर्ट्स आ गई नॉर्मल, ज़्यादा कोई वो नहीं थी, एक ईसीजी थी एक इको थी, तो वो सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, और अब निकल चुके हैं घर के लिए, टाइम लग गया बस थोड़ा सा, मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया है, ये देखो कितना प्यारा हो गया मौसम, टाइम लग गया थोड़ा, बाकी फ्री हो गए, थैंक यू गॉड, थैंक यू बाबा रामदेव जी। तो फाइनली मास्क वगैरह लगा के चल पड़े हैं, हेलमेट लगा दिए, और सब रिपोर्ट नॉर्मल है, बस थोड़ा टाइम लग गया, तो फिलहाल चलते हैं घर की तरफ, भूख भी लग रही सुबह से आए हुए, लगभग टाइम हो गया एक बज गए, सुबह 8 बजे गए हुए, 1 बज गए, देख लो गवर्नमेंट का काम ऐसे ही है, क्या कराना पड़ गया, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिन बाद, मतलब करीब 4-5 दिन के बाद बढ़िया खाना खाया, मतलब डाइट कर रहा था, डॉक्टर ने कहा सब ओके है, कोई डाइट की आवश्यकता नहीं, फुल खाओ आराम से, सब बता रहा हूँ, फुल खाया फुल, मतलब सब बता रहा, मैंने काफ़ी टाइम से 3 रोटी खा रहा हूँ एक टाइम की, बाद में 4 रोटी खा ली, मस्त बैंगन का भरतू चटनी छाछ जो मिला वो सब समेट दिया, 4 रोटी खाई है, अब मैं आ गया डाल हॉस्टल में, उधर गप्पे मारेंगे फिर रेस्ट करेंगे। हाँ जी, तो अब आ गया हूँ घर पे, आज का दिन बड़ा ही एक्टिव रहा पूरे दिन, आज हॉस्पिटल गए, देखो बच्चा आते ही शिकायत करता है, क्योंकि आज पूरे दिन बिजी रहा, पहले हॉस्पिटल गया जांचें कराई, फिर डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, अभी भी मम्मी के साथ मंदिर गया, दूध लेके आया, ये वो फलाना ढिमका, कुछ स्पेशल कुछ नहीं हुआ, बहुत एक्टिव डे रहा, और फिलहाल सब देख रहे हैं टीवी और साथ में हो रहा भोजन, तो फिलहाल बस चिल्ला मत यार, तो फिलहाल अब बस इतना ही रूटीन था, अब छुट्टियाँ हो रही है 2 तारीख के बाद, अभी प्लान बन रहा है हमारा केदारनाथ का, इस बारे में बता दूँ आपको, बच्चों को बताऊँगा, ये माँ जी बाबा को बता देंगे, मेरा प्लान बन रहा है केदारनाथ का भी, तो देखते हैं इस बार छुट्टियों में, तो 2 तक तो यही शेड्यूल चलेगा, यही भी रूटीन चलेगा, उसके बाद देखते हैं, तो चलते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, थोड़ी एनर्जी रहेगी, रोज़ वीडियो बनाऊंगा तो एनर्जी रहेगी, ना लड्डू, तो चलते हैं फिर फिलहाल।